अशोक एक बेहद दुर्लभ वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम सरका अशोक है। अशोक का अर्थ होता है किसी भी तरह का शोक न होना, यानी जिसके आसपास ये वृक्ष होता है उसे कोई भी शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं होता। यह वृक्ष इतना अद्भुत है कि इसे गोल्डन ट्री या फिर डॉक्टर ट्री कहा जाना चाहिए। इसके कई नाम हैं जो इसके गुणों के कारण दिए गए हैं। अशोक का फूल उड़ीसा का राज्य फूल है। अशोक के पेड़ भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं। स्त्री रोगों के लिए अशोक की छाल किसी वरदान से कम नहीं है। असली अशोक के वृक्ष कम ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर घरों और बाग बगीचों में जो अशोक वृक्ष होते हैं वे देवदार की प्रजाति के होते हैं, जो मात्र सजावट के लिए लगाए जाते हैं, पर ये असली नहीं होते। इसके फूल सफ़ेद, पीले और फल लाल रंग के होते हैं। पत्तियाँ लंबी व हरी होती हैं, जबकि असली अशोक का पेड़ आम की तरह छायादार होता है। इसकी पत्तियाँ तांबे के रंग की होती हैं, इसी कारण इसे ताम्र पल्लव भी कहते हैं। अशोक के वृक्ष में नारंगी रंग के फूल बसंत के मौसम में खिलते हैं, जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं, इसीलिए इसे हेम पुष्पा नाम से भी पुकारा जाता है। अशोक का वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष है, जिसके फूल गुच्छों में लगते हैं और बेहद आकर्षक और खुशबूदार होते हैं। ये गुच्छे मधुमक्खी के छत्ते के समान लगते हैं, इसीलिए अशोक को मधुपुष्प भी कहते हैं। इसके तने में भी फूल लगते हैं। इसका तना सीधा व छाल काली या हल्की भूरी होती है। यद्यपि इसमें तने कम होते हैं, पर इसकी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि ये आम वृक्ष की तरह छाया देती हैं। इसके फल सफ़ेद रंग के होते हैं। सभी शुभ कामों में अशोक की पत्तियां उपयोग में लाई जाती हैं। वास्तु के अनुसार अशोक का वृक्ष घर की उत्तर दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। बौद्ध धर्म में अशोक वृक्ष की बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे हुआ था। रामायण में भी अशोक वृक्ष का वर्णन है। जब रावण सीता माता को उठाकर ले गया था, तब उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, इसीलिए अशोक को सीता अशोक वृक्ष भी कहते हैं। अशोक के फूल में एक बीज अन्य बीजों से बड़ा होता है। इस बीज से आप आसानी से अशोक का वृक्ष उगा सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में अशोक की छाल को सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसकी छाल, पत्तियाँ, फूल, फल सबसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इन दवाइयों का ज़्यादातर प्रयोग स्त्री रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। जिन स्त्रियों को मासिक दर्द या वायर डिस्चार्ज या श्वेत पर्दे जैसी समस्या होती है, उन्हें अशोक की छाल पानी में उबालकर फिर छानकर ठंडा करने के बाद पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही पीरियड्स के दौरान कमर व पेड़ों का दर्द भी इससे ठीक होता है। इसके अलावा रक्त शुद्ध करना, कब्ज की समस्या और मधुमेह के लिए भी अशोक की छाल से दवाई बनाई जाती है। मधुमेह रोकने के लिए इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। स्त्री रोगों में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम समस्या में भी अशोक की छाल से बनी दवाई उपयोग में लाई जाती है। मुहासे व रंगत साफ करने के लिए भी अशोक की छाल पानी में उबालकर प्रयोग किया जाता है। साथ ही त्वचा की बाहरी व अंदरूनी सूजन को भी ठीक करता है। हड्डी टूट जाने पर अशोक की छाल का लेप लगाकर पट्टी बांधी जाती है। पायल्स में भी इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पिया जाता है, जिससे बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों, अब आप लोग जान ही गए होंगे कि अशोक का पेड़ मानव जाति के लिए कितना उपयोगी है। जैसा नाम है इस वृक्ष का, वैसे ही गुण भी हैं इस वृक्ष में। सच में अशोक का वृक्ष अपने नाम को चरितार्थ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।